हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार की वजह से एफएमजी का जो एग्ज़ाम था जुलाई 2023 का, वो पास हो गया था और मैं वीडियो नहीं बना पाया था। उसके लिए आपसे सॉरी चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ और उसका एक्सपीरियंस अब मैं शेयर करूँगा। सो गाइज, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हाउ वॉज पेपर कैसा था। सो आप सभी ने भी सुनाई होगा सारी कोचिंग्स के थ्रू, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे आपको पता लगा होगा कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत हार्ड था। लेकिन उस पेपर के अंदर भी पास होने की क्या वजह थी और उसका पासिंग परसेंटेज क्या था। सो जुलाई 2023 का जो एग्ज़ाम था FMG, उसका पासिंग परसेंटेज अराउंड 10% था, 10% से भी कम ही था। तो इतना हार्ड एग्जाम के अंदर कैसे पास हुआ या फिर उसके लिए क्या टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो आपके काम आ सके। सो आज वही चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूं आपसे। सो गाइज, FMG पास होने के अंदर और पूरा सिलेबस करने के अंदर सबसे बड़ी हेल्प तो होती है कि आपने पूरे 4-5 साल के अंदर क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। वो स्टडी है, वो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्डअप करती है और उसके बाद में, लेकिन वो याद कुछ भी नहीं रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है हर सब्जेक्ट के लिए कि हाँ इसके अंदर ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसा होता है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन जो FMG ओरिएंटेड प्रिपरेशन है उसको कैसे करें या फिर उसके लिए क्या प्लान करें। सो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप इंटर्नशिप के अंदर आएँ, मेरा बैच तो कोविड के अंदर था तो उसके अंदर बहुत सारी क्लासेज ऑनलाइन होती थी, ऑफलाइन भी हुआ है लेकिन कुछ हद तक ऑफलाइन हुआ है, काफ़ी सारी क्लासेज ऑनलाइन होती थी। इंटर्नशिप के अंदर मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए। एक साल जो पूरा होता है, 1 ईयर होता है, उसके अंदर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना शुरू कर दें अपनी और सारे सब्जेक्ट्स उस एक ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर आप पूरे कर लें एटलीस्ट एक बार बहुत ही अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ में और फुल वीडियोज के साथ में। वीडियोज कंप्लीट करने के बाद में होता है, उससे पहले ही ये डाउट आता है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें, हम क्या पढ़ें, प्रेपरेटर पढ़ें, मैरो पढ़ें, NLSE, MIST, दुनिया भर की कोचिंग्स हैं, जितना अपने को अभी पता है उससे भी ज़्यादा है। अगर दिल्ली गौतम नगर के अंदर जाकर देखेंगे तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, लेकिन उनके सबके ऑनलाइन वर्जन भी हैं, ऐप वगैरह भी हैं। एक साल पहले अपन उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं और उनसे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं किसी भी एक कोचिंग को या फिर किसी भी चीज़ को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। किसी को कोई टीचर अच्छा लग रहा है, किसी को एक जगह पे पैथोलॉजी का टीचर अच्छा लग रहा है तो दूसरी जगह पे मेडिसिन का टीचर अच्छा लग रहा है, तो कहीं पे सर्जरी का टीचर अच्छा है। एक ही जगह पे सारे टीचर सही हों या अच्छे हों तो ये कहना मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के हिसाब से कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, कौन से टीचर अच्छे लग रहे हैं। तो आई थिंक एक ही ऐप के अंदर सारे टीचर किसी स्टूडेंट को अच्छे लगे, ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, टफ काम होता है, ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। फिर भी आपको एक प्लेटफॉर्म तो कोई तो चूज करना पड़ेगा। वो प्लेटफॉर्म चूज करने के बाद में आपने पूरा एक साल पढ़ा, उसको मेहनत किया, फिर आपका सिलेबस भी पूरा हो जाता है ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर, खूब आराम से सिलेबस हो जाता है कॉलेज के साथ में। फिर ग्रेजुएशन हो जाती है आपकी और ग्रेजुएशन के बाद में और FMG के बीच में ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का टाइम तो मिल ही जाता है। उन 2-3 मंथ्स के अंदर अपने को क्या करना है, तो जितने भी जो भी ऐप्स हैं उनके अंदर रैपिड रिवीजन के ऑप्शंस भी हैं, तो आप रैपिड रिवीजन को एक बार देख लो, या फिर एक बार रैपिड रिवीजन देख के 3-4 बार आपको उनके नोट्स पढ़ने होंगे अच्छे से, कौन सी चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई हैं सब आपको पता होना चाहिए। उनके नोट्स पढ़ने के बाद में एटलीस्ट एग्जाम से पहले आपके 4 से 5 रिवीजन तो मिनिमम हो ही जाने चाहिए, क्योंकि एक बार या दो बार के पढ़े हुए में तो 19 सब्जेक्ट याद नहीं रहते हैं ना, तो उनको बार बार पढ़ना पड़ता है और बार बार पढ़ेंगे तभी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और अभी तक तो हमने पढ़ा ही है, क्वेश्चन तो सोल्व किए ही नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपन जो बुक्स होती हैं उनका भी यूज कर सकते हैं और ऐप के अंदर तो क्वेश्चन होते ही हैं। ऐप के क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं, आपको सही लग रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐप ज़्यादा इजी होता है, आईपैड के अंदर ओपन किया और क्वेश्चंस कर लिए कहीं पे बैठे हो उस हिसाब से। लेकिन अगर आप बुक्स वगैरह भी मंगवाना चाहें तो FMG सॉल्यूशन
और NLC की बुक है या फिर और भी बहुत सारे कोचिंग्स हैं, उनके बुक होती हैं या फिर उनके टेस्ट्स होते हैं, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, मैंने FMG सॉल्यूशन मंगवाया था तो मैंने उसको सॉल्व किया था। सो एक बार तो सॉल्व करना ही है सारे क्वेश्चंस की, आपको जो सॉल्यूशन है उसका वो पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है। अगर कोई क्वेश्चन आते हैं आपको तो उनकी थ्योरी मत पढ़ो भले ही चाहे अगर आता है तो, लेकिन जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनकी थ्योरी तो आपको पढ़नी होगी। ये काम एक बार करने से आई थिंक एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बात नहीं बनेगी। एटलीस्ट आपको दो बार तो मिनिमम FMG सॉल्यूशन बुक करनी ही चाहिए, पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन है। सो दो बार आप कर लोगे तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और पेपर के अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज का भी चक्कर होता है, लैंग्वेज भी जो अपन कोचिंग वाले जैसा पढ़ाते हैं, कोचिंग के अंदर जैसे एग्जाम होते हैं, जो टेस्ट होते हैं या फिर बुक के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, उनसे मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज होती है और वहाँ पे तो टाइम का भी बाउंडेशन होता है। सो वो सब चीज़ें भी होती हैं, तो उनको सबको ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट आप अपने सिलेबस को 4 से 5 बार पूरा करेंगे, एक बार एटलीस्ट पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, फिर 3 से 4 बार आप रैपिड रिवीजन को करेंगे। रैपिड रिवीजन के 1-2 बार वीडियो देख सकते हो, लेकिन आपको नोट्स हर बार पढ़ने हैं। अगर वीडियो देखा है तो उसके साथ में आपको उस वीडियो के नोट्स भी पढ़ने हैं। सो विद नोट्स आपका एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले, और 2 बार कम से कम FMG सॉल्यूशन या फिर कोई भी ऐप कर रहे हैं आप, किसी भी ऐप से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनको वापस से लगा लो, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक 3 महीने पहले कोई क्वेश्चन किए तो उतना याद नहीं रहता है। तो आपको PYQ जो है, PYQ काफ़ी हेल्प करते हैं जो क्वेश्चंस मैंने बताए। सो उनसे आपको पता लग जाता है कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो वो टॉपिक तो आपको बिल्कुल पक्का हो जाता है। सो उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो वो 99% चांस होता है कि आप सही ही करोगे। भले ही नया क्वेश्चन भी बन के आया तो भी 90% चांस होते हैं कि आप सही करोगे। सो आपको एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही। ये टॉपिक्स का आपको ओनली PYQ करने से पता लगेगा। तो एटलीस्ट आप कम से कम 3 साल के मिनिमम PYQ कर सकते हैं, 2020 तक के PYQ कर सकते हैं। अगर उससे भी पीछे जाना चाहें 2019 के अंदर तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन 2020 तक तो करना बनता ही है एटलीस्ट 3 से 4 साल के तो PYQ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्ट आ जाते हैं, भले ही वो आपको आता हो, लेकिन PYQ कम से कम 10-15 PYQ तो ऐसे होते ही होते हैं जो कि सीधे भी आ जाते हैं बहुत सी बार, तो कि ये उस पेपर में आया था और ये इधर भी आ गया। सो उसके लिए जैसे ऑल आईज वगैरह है, जो हॉजकिंस लिम्फोमा CMV वगैरह है, सो उन ये टॉपिक हैं वो बहुत कम छूटते हैं, लगभग हर बार पूछता है टीचर, और पूछेगा तो फिर वही चीज़ें पूछेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें फिक्स होती हैं जो कि आपको PYQ करने से ही पता लगेंगी। सो मेरा पर्सनली आपको रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट आप कम से कम 4 से 5 बार अपना पूरा सिलेबस करें और PYQs लगाएं। कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लो, एक बुक सेलेक्ट कर लो या फिर कोई भी ऐप सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर से क्वेश्चन लगाए, 2 बार एटलीस्ट मिनिमम क्वेश्चन लगाओ। और जो लास्ट के वीक की, लास्ट के मंथ की जो प्लानिंग होती है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। लेकिन ये मेरा जो मैंने किया उसके अकॉर्डिंग ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया, और होपफुली आपको भी सबको हेल्प करेगा। अभी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी January 20 को आपका पेपर है, सो ऑलमोस्ट 1 मंथ ही बचा है, तो 1 मंथ के बाद में एग्जाम है। सो यूट्यूब पे मेरा वीडियो ज़्यादा देखने से बेटर है, टाइम पास करने से बेटर है कि आप पढ़ें, लेकिन बहुत छोटा वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो आपको हेल्प होगी काफ़ी। और आप ये चीज़ें अप्लाई करते हैं अपने स्टडी के अंदर, सो बेसिकली आपको एक अच्छा स्कोर करने में हेल्प होगी, और पास तो आप डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन खुद के साथ में ईमानदार रहना पड़ेगा और खुद को कम्प्लीटली आइसोलेट करना पड़ेगा सब चीज़ों से जो अपने को डिस्ट्रक्ट करती हैं। सो हर एक दिन का आप टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि मेरे को इतना पढ़ना है, आज इतने वीडियो करने हैं। आवर्स का मत करिए, आप सब्जेक्ट वाइज करिए कि मेरे को 2 दिन में 3 दिन में ये सब्जेक्ट फिनिश करना है, 4 दिन में मेरे को सर्जरी फिनिश करना है, 5 दिन में मेरे को मेडिसिन फिनिश करना है, 2 दिन में मेरे को OB/GYN फिनिश करना है। इस तरह से आप प्लानिंग कीजिए, और ऐसे सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट का उसका नंबर आए 4 दिन का जैसे सर्जरी का,
तो पहले दिन मेरे को ये टॉपिक्स करने हैं, दूसरे दिन मेरे को ये टॉपिक्स करने हैं, तीसरे दिन मेरे को ये टॉपिक्स करने हैं, ये रिवीजन के अंदर बता रहा हूँ मैं। रिवीजन के अंदर ऐसे टाइम बाउंडेशन बना के ही अपन कुछ अचीव कर सकते हैं। सो जो आप टॉपिक करते जा रहे हैं उनके PYQ भी आप लगाते जाएं। सो PYQ भी लगाओगे और टॉपिक भी करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा आपको, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कम भी होगी। लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हैं और अभी तक भी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट 2020 तक के आप PYQ बहुत अच्छे से कर लें और रैपिड रिवीजन एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट्स का अभी भी कर सकते हैं। अगर 10-12 घंटे, 13-14 घंटे आप पर डे का बैठ सकते हैं तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो तो भगवान भरोसे ही है। एक बार दो बार तो एटलीस्ट पहले का पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। अगर किसी ने दो बार भी पढ़ रखा है तो भी वो इजीली क्रैक कर सकता है FMG को, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, लेकिन रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितना रेगुलर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और रेगुलरली आप टॉपिक्स के टच के अंदर हैं। ठीक है गाइज, और एक रिकमेंडेशन और है आपको, एक सलाह और है आपको कि आप टॉपिक्स को कोरिलेट करिए। जैसे कोई फार्मा के अंदर टॉपिक है तो उसको मेडिसिन से कोरिलेट करिए कि ये डिजीज है, इसका ट्रीटमेंट तो ये है, लेकिन इसकी पैथो फिजियोलॉजी क्या होगी, इसके लिए इसका डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोस कैसे करेंगे अपन, इसके लिए टेस्ट कौन सा होगा। सो दूसरे सब्जेक्ट से उसको लिंक करिए, सर्जरी से लिंक करिए उसको, पैथोलॉजी से उसको लिंक करिए, मेडिसिन से उसको लिंक करिए, फार्मा को उसको लिंक करिए। सो इसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस तरह से आप लिंक करके सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो। सो गाइज, और भी कुछ आपको बताना होगा, सजेस्ट करना होगा, सो मैं वीडियो बना के सजेस्ट कर दूंगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट हो, प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर कुछ मेरे से छूट भी गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा आपको। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डॉक्टर अंकुश यादव के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे अकाउंट मिलेगा। ओके, सो आप सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हैं और दूसरा भी वीडियो मैं बनाने का ट्राई करूंगा कि दूसरा भी वीडियो बन जाए। ओके, सो उसके अंदर जो भी आपके डाउट मुझे लगेगा कि ये बच गए ये भी बता देना चाहिए, सो मैं वो भी ट्राई करूंगा पूरा पूरा बताने की। और होपफुली आप सबका अच्छी तैयारी चल रही होगी और होपफुली आप सबका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और दिसंबर जनवरी का एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट परसेंटेज होता है वो काफ़ी ठीक रहता है जून जुलाई वाले के कंपेरेटिवली। सो होपफुली 15-20% रिजल्ट रहना चाहिए, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पास होंगे अपने FMGs। सो सबके लिए बेस्ट विशेज हैं, सबके लिए बहुत सारा भगवान से प्रे है। ओके, सो सब लोग अपनी तैयारी करिए और बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। आपको कुछ और चीज़ें सजेस्ट करने के लिए, कौन से टॉपिक्स पे, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए लास्ट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी। अभी कुछ टाइम के अंदर वीडियो आ जाएगा, तब तक के लिए थैंक यू।